वाराणसी में अपराधों और अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 साथी चोरों को 5 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। देखिए थाना कोतवाली पुलिस को एक सफलता मिली है, जिसमें एक अंतर्राज्यीय जो गैंग है उसको पकड़ा गया। इसमें 3 अभियुक्त हैं, शुभम चौरसिया, राज बहादुर, पप्पू। इसमें से जो शुभम चौरसिया लोकल का रहने वाला, राज बहादुर जो है जौनपुर का, पप्पू जो है बिहार का, ये तीनों व्यक्ति मिल के संगठित रूप से चोरी, बाइक चोरी का काम करते थे और उसके बाद उस पैसे से अपना जो भी है पैसा यूज़ करते थे बेच के। पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी 11-2 को, जिसमें वादी के द्वारा बताया गया था कि इस हॉस्पिटल के पास से कबीर चौराहा के पास से बाइक चोरी हो गई थी। उस पर हमारी टीम ने और ACP कोतवाली के नेतृत्व में जो हमारी सर्विलांस टीम है और लोकल जो थाने की टीम है उसने वर्क किया, तो इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तारी की गई। बाद में पता चला उसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, तो तीनों को पकड़ा गया। इनके पास से 5 बाइकें बरामद हुई हैं जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी के मुकदमे लिखे गए हैं। कनेक्ट किया जा रहा है सभी को और ये भी पता किया जा रहा है कि इनके ऊपर कोई और भी हिस्ट्री अगर है कहीं जनपद से, बिहार से या यूपी के अन्य जनपदों से, तो उसको भी निकाला जाएगा और इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। कितनी बड़ी गैंग है इनकी, कितने दिनों से ये सब? देखिए जो पता चला है ये 3 लोग ही अभी तक हैं। इन्होंने पूछताछ में जो अभी बताया है 3 लोगों का मेन नाम है और हम कोशिश ये करेंगे अगर इसमें और भी लोगों का लिंक निकल के आएगा तो पुलिस कस्टडी भी लेके पूछताछ की जाएगी। और ये लगभग 1-1.5 साल से ही चोरी का काम कर रहे थे और भी पूछताछ के लिए हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड भी लेंगे। देखिए मैं मूलतः ये लोग भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में हॉस्पिटल और जहाँ पे पब्लिक बाइक रख के चली जाती है, जहाँ पे पार्किंग में नहीं होती है, तो उसको टारगेट ज़्यादा करते थे। तो इस गैंग के पकड़े जाने से मुझे लग रहा है काफ़ी राहत मिलेगी। धन्यवाद।